वो सारा का सारा पैसा विकास में जाए। बोल रही है कोटा, आप लोग प्लीज सुनिए, आप लोग नहीं सुन रहे, सुनी नहीं रहे आप लोग। आप लोग थोड़ा सुनिएगा, एक बात और बता दूं भैया, आप सबके बीच में ध्यान से हमारे को बात सुनने का भैया, एक माँ अपने बेटे के लिए आप सबके बीच में अपना आंचल फैला के आशीर्वाद के रूप में वोट मांगी है, और ये बेटे का वचन है, ये बेटा अपने भाइयों से अपने गार्जियन से वादा करता है, संसदीय फंड में जो भी पैसा आता है वो निगम तरीके से, कोई कमी संबंधी नहीं, वो सारा का सारा पैसा विकास में जाएगा। संसदीय फंड में जितना पैसा आए आप सबके और आप सबके विकास का लगी, और सांसद को जो महीना मिलता है, सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, उस पैसे का भी रोटी पवन नहीं खाएगा, उस पैसे से हमारे गरीब बेटी और बहन की शादी होगी। किसी भाई ने कहा कि ये भैया तुम्हार गाड़िया फूट गई, तुम्हार गाड़िया बचा दी गई, मैं उनसे ये जवाब दिया कि ये गाड़ी दिया कौन है, ये गाड़ी मिला कहाँ से है, ये कुर्ता मिला कहाँ से है, सिकड़ी चैन मिलल कहाँ से बा, घड़ी मिलल कहाँ से बा, बंबई में, लखनऊ में, पूरा हिंदुस्तान के कोना कोना में अगर कहीं कहीं घर दिखा था, वो कौन दिया है, आप नहीं दिए, फूट गया फूट गया, फिर आ जाइए। और एक बात बताइए भैया, सांसद पवन सिंह को क्या नाम कमाने के लिए बन रहा है क्या, सांसद पवन सिंह नाम कमाने के लिए नहीं बन रहा है, सांसद पैसा कमाने के लिए आपका बेटा बन रहा है क्या, आपके आशीर्वाद की संपत्ति हमको चाहिए। और मैंने पहले भी बोला कि काराकाट की जनता के खुशी के लिए अगर पवन सिंह जान भी नहीं दे दिया ना, तो एक माँ और एक बाप का औलाद है, आप सबके बीच में एक भाई और एक बेटे का वादा है। मैं कभी अपने जीवन में यहाँ से नहीं चला हूँ, जो भी काम किया हूँ यहाँ से किया हूँ। अब भैया जीवन में बहुत धक्का लगा, बहुत चोट लगा, फिर भी कहा कोरोना है से खड़ा हूँ, किस कद पे खड़ा हो पाता हूँ, आपके आशीर्वाद के नाम पे मेरे पास